हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं एक एक्शन क्राइम मूवी सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मेरे इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको इस मूवी सीरीज की स्टोरी सही से समझ में आ सके। और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आप इस मूवी सीरीज के किसी भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है फ्रैंक नाम का एक आदमी जो ट्रांसपोर्टर का काम किया करता था, लेकिन इस समय वो एक रिच फैमिली का ड्राइवर होता है। और फ्रैंक इस फैमिली के एक छोटे से बच्चे जिसका नाम जैक होता है, उसे उसके स्कूल से लाने ले जाने का काम करता है। एक दिन जब फ्रैंक जैक को उसके स्कूल से लेकर आता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड आपस में लड़ रहे होते हैं। ये सब फ्रैंक जैक को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर खड़ी कर देता है। तभी जैक की मॉम, जिनका नाम ऑड्री होता है, जब वो जैक को लेने के लिए गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो फ्रैंक से बोलती है कि तुम काफी समझदार ड्राइवर हो। ये बोलते हुए ऑड्री फ्रैंक से बोलती है कि कल हमारे बच्चे जैक का बर्थडे है और कल तुम्हें हमारे घर पर आना होगा और तुम्हें ही हमारे बच्चे जैक को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना होगा, क्योंकि मैं काफी बिजी रहूंगी। ऑड्री की इस बात पर फ्रैंक मान जाता है और अब फ्रैंक अपने घर के लिए निकलता है। यही हम देखते हैं कि ऑड्री और फ्रैंक की बात को ऑड्री के घर पर लगे एक ऑडियो डिवाइस की मदद से इस मूवी का विलन चलानी सुन रहा होता है। ये सुनकर इस मूवी का विलन चलानी अपनी एक टीम को उस हॉस्पिटल में भेज देता है जिस हॉस्पिटल में फ्रैंक जैक का चेकअप कराने के लिए जाने वाला था। चलानी की ये टीम जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो इस टीम से एक लड़की जिसका नाम लोला होता है, जो चलानी की राइट हैंड थी। लोला इस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स को एक एक करके मारने लगती है और लोला के बाकी साथी इस हॉस्पिटल के मरे हुए डॉक्टरों की ड्रेस पहनकर खुद डॉक्टर बनकर बैठ जाते हैं। इधर हम देखते हैं फ्रैंक को, जो जैक के रूटीन चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर निकलता है। जब फ्रैंक और जैक दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो जैक लोला को देखकर फ्रैंक से बोलता है कि ये मेरी डॉक्टर नहीं है, जिस पर लोला बोलती है कि डॉक्टर आज छुट्टी पर गए और आपका जो भी काम है वो आज मैं करूंगी। ये बोलते हुए लोला जैक को लेकर एक रूम में पहुंचती है जहां पर लोला के बाकी साथी डॉक्टर बनकर बैठे हुए थे। और जब फ्रैंक इस रूम में आने लगता है तभी लोला फ्रैंक से बोलती है कि तुम इस रूम में नहीं आ सकते हो, क्योंकि ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच की प्राइवेसी है। लोला की बात सुनकर फ्रैंक इस रूम के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और वो यहाँ के डॉक्टरों को देखकर थोड़ा शक करने लगता है। वहीं हम देखते हैं उस रूम के अंदर लोला और उसके साथी मिलकर जैक के अंदर एक वायरस इंजेक्ट कर देते हैं। और फ्रैंक जब इस रूम के बाहर खड़ा होता है तभी वो देखता है कि उस रूम के अंदर से ब्लड बहता हुआ बाहर आ रहा था। ये देखकर जब फ्रैंक उस रूम का गेट तोड़कर जल्दी से उस रूम के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर लोला और उसके सभी साथी मिलकर जैक को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी फ्रैंक जैक को उन लोगों से लेकर वहां से भागने लगता है और ये सभी लोग मिलकर जैक पर हमला कर देते हैं। यही हम देखते हैं कि फ्रैंक इन सभी लोगों से फाइट करते हुए वहां से जैसे तैसे करके जैक को लेकर बाहर निकल आता है और लोला के सभी साथी मिलकर फ्रैंक के बाहर आते समय उसकी गाड़ी में एक बॉम्ब लगा देते हैं। और अब फ्रैंक जब जैक को लेकर उसके घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके बर्थडे की तैयारियां चल रही थी। और जैसे ही फ्रैंक अपनी गाड़ी को जैक के घर के अंदर एंटर करता है तभी वहाँ पर लोला आ जाती है और लोला फ्रैंक पर गन पॉइंट करते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो चेलनी से फ्रैंक की बात कराने लगती है, जिसमें चेलनी फ्रैंक से बोलता है कि अगर तुम अपनी और बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बात को फॉलो करते हुए मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। ये देखकर फ्रैंक वहाँ पर कुछ नहीं करता है, क्योंकि लोला ने उन दोनों पर गन पॉइंट की हुई थी और वो अपनी गाड़ी को लेकर चेलनी की बताई हुई जगह के लिए निकलता है। यही हम देखते हैं कि जैक के मॉम डैड ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो पुलिस को बुलाकर जैक के किडनैपिंग की रिपोर्ट को दर्ज करा देते हैं। और यही हम देखते हैं कि जैक के डैड को फ्रैंक पर थोड़ा शक होता है और वो सोचने लगते हैं कि शायद फ्रैंक ने ही तो हमारे बेटे को किडनैप नहीं किया है, जिस पर ऑड्री बोलती है कि फ्रैंक ऐसा नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकता है, शायद उसे किसी ने मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रैंक को, जो चेलनी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां फ्रैंक चेलनी से पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तभी चेलनी फ्रैंक को बताते हुए बोलता है कि किडनैपिंग करना तो मेरा काम है और इस बार तो मैं इस बच्चे के थ्रू एक वायरस को वायरल करना चाहता हूं और ये वायरस इतना खतरनाक है कि इससे इन्फेक्टेड लोग 24 घंटे के अंदर ही अपनी जान को गंवा देते हैं और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में सांस लेने के माध्यम से फैलता है और इस वायरस का एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है और जब तक ये वायरस दुनिया में तबाही न मचा देगा तब तक मैं इस एंटीडोट को दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा। ये बोलते हुए चेलनी जैक के डैड को कॉल करता है, जिसमें वो जैक के डैड से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तुम 50 करोड़ डॉलर का इंतजाम कर लो और वो सभी डॉलर सीरियल नंबर से नहीं होने चाहिए, जिनको तुम्हें एक वाटरप्रूफ बैग में पैक करके मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचाना होगा। ये बोलते हुए चेलनी फोन को काट देता है और फोन को वहीं पर पानी में फेंक देता है। और अब चेलनी जैक को लेकर अपने सभी साथियों के साथ वहां से जाने लगता है और वो फ्रैंक को भी वहां से जाने को बोलता है।
तभी फ्रैंक जब वहाँ से आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा हुआ था और फ्रैंक अपनी इस गाड़ी के बॉम्ब को वहाँ खड़ी एक क्रेन के हुक में फंसा कर निकाल देता है। और यही वो देखता है कि चैलनी और उसके सभी साथी मिलकर जैक को लेकर वहाँ से बोट में बैठकर चले जाते हैं। और फ्रैंक जब अपने घर के लिए आने लगता है तभी वो अपने घर पर आए एक दोस्त पर कॉल करता है, जिसमें फ्रैंक अपने दोस्त से बोलता है कि जल्दी से तुम मेरे घर से बाहर निकलो क्योंकि तुम्हें वहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। इससे पहले कि फ्रैंक का दोस्त फ्रैंक के घर से बाहर निकलता तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो फ्रैंक के दोस्त को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। और ये सब फ्रैंक दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जैक के डैड जब $50,00,000 का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तभी फ्रैंक जैक की मॉम को कॉल करता है और फ्रैंक जैक की मॉम से बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उस दिन उन लोगों ने जैक पर गन तान दी थी इसलिए मैं मजबूर था। लेकिन जैक अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उसे बचाने के लिए मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जो मुझे करनी चाहिए। इधर हम देखते हैं फ्रैंक के दोस्त को जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और वो पुलिस वाले फ्रैंक के दोस्त से काफी पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक का ये दोस्त पुलिस वालों को कुछ नहीं बताता और वो बोलता है कि मैं फ्रैंक के घर पर एक कुक का काम करता हूँ। इस तरह फ्रैंक का दोस्त पुलिस वालों को बेवकूफ बनाते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर किचन है तो मैं वहाँ पर खाना पका सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी पुलिस वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे वहाँ पर खाना पकाने के लिए किचन में भेज देते हैं। तभी फ्रैंक के दोस्त के पास फ्रैंक का कॉल आता है और वो सभी पुलिस वालों को बेवकूफ बनाते हुए बोलता है कि मेरी माँ का कॉल है। और वो फ्रैंक से बात करने के लिए थोड़ा साइड में जाता है तभी फ्रैंक उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई कंप्यूटर है, जिस पर फ्रैंक का दोस्त बोलता है कि यहाँ पर कंप्यूटर की कोई कमी नहीं है, बताओ मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ। तभी फ्रैंक उसे चैलनी के एक आदमी की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि इस आदमी के बारे में मुझे पूरी डिटेल निकाल कर दो कि ये कौन है और ये कहाँ रहता है। फ्रैंक का दोस्त चैलनी के उस आदमी की डिटेल निकालते हुए फ्रैंक से बोलता है कि ये एक रशियन बायोलॉजिस्ट है जो कि मायामी में रहता है। ये सुनकर फ्रैंक अब मायामी के लिए निकलता है और मायामी में जब फ्रैंक इस बायोलॉजिस्ट के घर पर पहुंचता है तो ये बायोलॉजिस्ट फ्रैंक को देखकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और फायर करते हुए वहां से भागने लगता है। तभी फ्रैंक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और भागते हुए फ्रैंक उसे एक बस में जाकर पकड़ लेता है। और फ्रैंक उससे पूछता है कि ये वायरस किस लैब में बनाया जा रहा है और इसका एंटीडोट कहां पर मिलेगा। इधर हम देखते हैं जैक के मॉम डैड को जो $50,00,000 लेकर चैलनी की बताई हुई जगह पर पहुंचा देते हैं और पुलिस की पूरी टीम इस जगह पर निगरानी रखे हुए थी कि कोई तो इस गैस को लेने आएगा। तभी हम देखते हैं कि चैलनी ने जैक को एक वैन में बिठाकर वहां पर भेज दिया था और जैक के मॉम डैड जैक को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनका किडनैप हुआ बच्चा वापस मिल गया था। और अब जैक के मॉम डैड जैक को अपने घर ले आते हैं और घर आने के बाद जैक की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे वायरस का असर होना शुरू हो गया था। और यही हम देखते हैं कि जैक के साथ साथ जैक के मॉम डैड भी जैक के संपर्क में आने से इन्फेक्टेड हो गए थे क्योंकि ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान के संपर्क में सांस लेने से दूसरे लोगों में फैलता था। इधर हम देखते हैं फ्रैंक को जो उस लैब में पहुंच जाता है जहां पर ये वायरस बनाया जा रहा था और फ्रैंक देखता है कि इस लैब में काफी सारे लोगों को इस वायरस से इंजेक्ट करके वहां पर रखा हुआ था। लेकिन फ्रैंक को वहां पर चैलनी नहीं मिलता है और जब वो वहां से दो एंटीडोट लेकर जाने लगता है तभी वहां के डॉक्टर उस पर हमला कर देते हैं और फ्रैंक उन सभी डॉक्टर से फाइट करते हुए वहां से दो एंटीडोट लेकर निकल आता है। अब फ्रैंक इन दोनों एंटीडोट को लेकर जैक के घर पर पहुंचता है जहां देखता है कि जैक के डैड घर पर नहीं थे और उसकी मॉम जैक के पास बैठी हुई थी क्योंकि जैक की तबीयत काफी खराब हो रही थी। और फ्रैंक जैक की मॉम को वो एंटीडोट देते हुए बोलता है कि जैक इससे पूरे तरीके से सही हो जाएगा क्योंकि जैक को वायरस का असर हो रहा था इसलिए उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक के डैड को जो एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे जहां पर उनकी तबीयत खराब होने लगती है और जैक के डैड की तबीयत खराब होते देख उन्हें यहां से एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और जैक के डैड अपने साथ साथ यहां के सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इधर हम देखते हैं फ्रैंक को जो अपने दोस्त की मदद से चैलनी का पता निकाल लेता है और अब फ्रैंक चैलनी का पता लेकर चैलनी को पकड़ने के लिए निकलता है क्योंकि इस वायरस का एंटीडोट चैलनी के पास था और ये वायरस अब पूरे तरीके से शहर में फैलना शुरू हो गया था। इधर हम देखते हैं चैलनी को जो अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी राइट हैंड लोला के साथ काफी रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर रहा था और साथ ही लोला से बोलता है कि इस वायरस को फैलाने के बाद अब हम इस वायरस का एंटीडोट सरकार को अपनी मुंहमांगी कीमत पर बेचेंगे। इधर हम देखते हैं फ्रैंक को जो चैलनी के घर के नीचे आ जाता है जहां पर चैलनी के आदमी फ्रैंक पर हमला कर देते हैं और फ्रैंक इन सभी से फाइट करते हुए वहां पर सभी को मार देता है। और अब फ्रैंक चैलनी के पास पहुंचता है, जब वो चैलनी पर गन पॉइंट करता है तो चैलनी बोलता है कि मुझे मारने से कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि वो सारा एंटीडोट मैंने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। और चैलनी की ये बात सुनकर फ्रैंक वहीं पर रुक जाता है। तभी यहां पर लोला आ जाती है और लोला फ्रैंक पर गन पॉइंट कर देती है और लोला को देखकर चैलनी बोलता है कि तुम इसे संभालो और मैं यहां से जा रहा हूं। यही हम देखते हैं कि लोला और फ्रैंक के बीच में काफी फाइट होती है जिसमें वो लोला को मार देता है और अब फ्रैंक लोला को मारकर चैलनी के उस प्लेन में
पहुंचता है जिससे चेल ने यहाँ से भागने वाला था। तभी चेल ने फ्रैंक को देखकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और इन दोनों के बीच में उस प्लेन में काफी फाइट होने लगती है। इन दोनों की फाइट के बीच इस प्लेन के पायलट के गोली लग जाती है जिससे इनके प्लेन का बैलेंस खराब होने लगता है और ये प्लेन जाकर सीधा पानी में गिरता है। और फ्रैंक जब इस पानी से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि फ्रैंक इस चार्ली को भी निकाल कर अपने साथ बाहर ले आया है और चार्ली के ब्लड सैंपल से ये लोग एंटीडोट बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये सभी लोग अपने शहर को इस वायरस से बचा लेते हैं। और गाइज इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।